नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिनको भी मेरी आवाज मिल रही है वो मुझे प्लीज बताएं, एक बड़ी खबर आ रहा बता रहा हूं। जीबी पंत में भी आपने देखा था क्या हुआ था, ओबीसी के स्टूडेंट को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया था। अब मामला जेएनयू का आया है। आपको पता है जेएनयू में एक आदिवासी लड़की को वाइवा में इंटरव्यू में सिर्फ एक नंबर दिया गया पीएचडी के दाखिले में, उसका दाखिला नहीं हो पाया। मैक्सिमम एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के बच्चों को 1, 2, 3, 4 नंबर दिए जाते हैं। अब ये स्कैम कैसे है ये समझिए। और किस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि अब जो जातिवाद के शिकार हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के गरीब लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग होंगे। अब जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है, अब जातिवाद गांव में भी है, शहरों में शिफ्ट हो गया है। शहरों में भी कहां, मीडिया में लोग जातिवाद करते हैं, जजों की भर्ती में जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई में और नौकरी में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है, और ये तमाम जो पावर सेंटर्स है वहां जातिवाद चल रहा है। अब जेएनयू में जो सबसे लिबरल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, सोचिए क्या क्या होता होगा। अभी हमारे पास सोशल मीडिया है तो जीबी पंत की लड़ाई लड़ा गया, उसके बाद उस जातिवादी जज प्रोफेसर को फिर से वैकेंसी निकालनी पड़ी। आप सोचिए कि ये भ्रष्टाचार कैसे होता है, ये स्कैम कैसे होता है, ये जातिवाद कैसे होता है। मान लीजिए आप एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र हैं और उसमें 70 नंबर का रिटेन होता है, 70 में आपने 65 रिटेन में लिख लिया। ममूमन एससी एसटी ओबीसी के बच्चे रिटेन में टॉप करते हैं। अब ये जातिवादी प्रोफेसर क्या करेंगे कि जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं उनको 5 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। अब 65 और 4 कितना हुआ, 70। लेकिन वही सवर्ण समाज का बच्चा होगा या इकोनॉमिक वीकर सेशन का बच्चा होगा और उसने 55 भी रिटेन में लाया है, 55 भी रिटेन में लाया है, तो उसको ये दे देंगे 20 नंबर, 10 नंबर। 55 और 10 कितना हो गया, 65, 70, 75 ऐसे कर दे। तो ये इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। और सोचिए एक आदिवासी लड़की को सिर्फ एक नंबर, मतलब वो रिटेन कैसे क्वालिफाई कर गई। अगर वो इतनी ही इनकम्पिटेंट है तो रिटेन कैसे क्वालिफाई कर गई। ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, अभी गुजरात से एक खबर आ रही है कि वहां जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व सीट पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। माइनॉरिटी जब मैं बार बार कहता हूं, इसका मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग क्रिश्चियन भी शेड्यूल ट्राइब में है, मुस्लिम भी ओबीसी में है। इस तरह की हालत है, वाइवा स्कैम है। पूरी खबर को विस्तार से कल से हम लोग फॉलो अप करेंगे, वीडियो भी लगाएंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि इस खबर को पहचानिए और अपने लोगों को जगाइए, बात कीजिए। आपके बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है, आपके बच्चों की हत्याएं हो रही है, आपके बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हैं। सोचिए लॉकडाउन में ऐसे ही हमारे गरीब लोगों के पास मोबाइल नहीं है जो पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी ये खोल नहीं रहे हैं, नए एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लेकर आए हैं। अब जेएनयू जहां लेफ्टिस्ट कहते थे सवर्ण अपने आप को, वहां इस तरह के हालात हो रहे सालों से हो रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया कुछ छुप नहीं रहा है। अब भी मौका है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एससी कमीशन एसटी कमीशन ओबीसी कमीशन में अप्लाई कंप्लेन कीजिए, कोर्ट जाइए। और मैं तो पत्रकारों में खबर दिखाऊंगा और आप लोग आंदोलन करिए। अब आंदोलन करना पड़ेगा कि ये जातिवाद कब खत्म होगा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। वोट हमारा राज तुम्हारा कैसे चलेगा, सोचिए अगर हमें एक वोट का अधिकार नहीं होता तो ये हमें वो भी अहमियत नहीं देते। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। सोचिए बिहार में जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी खर्चे से हम जातीय जनगणना कराएंगे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा, वाइवा स्कैम है। इस देश में इंटरव्यू का मतलब है बेईमानी। इंटरव्यू या तो खत्म कराया जाए या इंटरव्यू का लाइव टेलीकास्ट हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो। पता है क्या करते हैं, ये जाति देख लेंगे और अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है तो ये पूछेंगे आपसे कि मेरे मामा जी का नाम बताओ, ये जो मनुवादी है। और अगर आप सवर्ण समाज के इनकी जाति के हैं तो ये पूछेंगे कि अपने मामा जी का नाम बताओ। और बताओ अब अपने मामा जी का नाम तो कोई भी बता देगा, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा उसके मामा जी का नाम कौन बताएगा। अगर इनके बच्चे हैं तो इनसे पूछेंगे नेपाल का स्पेलिंग बताओ, नेपाल की राजधानी बताओ। और कोई गैर सवर्ण बच्चा है तो उसको बोलेगा चेकोस्लोवाकिया का राजधानी बताओ, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ।
ये इंटरव्यू पूरा का पूरा बेईमानी है, ये जाति के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है, ये खत्म होना चाहिए। और बहुजन समाज के तमाम पढ़े लिखे लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वो तो शुक्रिया, वो तो शुक्रगुजार हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को होना चाहिए कि सोशल मीडिया है जिस वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो वो भी आपके पास नहीं होता तो आप बात कैसे करते। ये जातिवादी मनुवादी लोग सब जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वाई वाई स्कैम चल रहा है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस और कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो मलाई वाला नौकरी है, आप चपरासी बन जाइए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, मजदूर बनिए, इनको जरूरत है, आपको मारेंगे नहीं, आपके ही बोर्ड से आपके ही माथे पर बैठ के ये राज कर रहे हैं। और जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने घरों में पत्रकार पैदा नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कीजिए। आप सोचिए क्या चल रहा है, ये एससी एसटी का सब प्लान का पैसा, ओबीसी सब प्लान का पैसा खर्चा कर देते हैं, कुछ भी हो रहा है इस देश में और लोग चुप बैठे हैं। और मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिस्टम में है, कम से कम अपने समाज की तो मदद कीजिए। जो मजदूर है, लाचार है, बेबस है, वो नहीं लड़ेगा इस लड़ाई को, ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों को आके लड़ना पड़ेगा। कैसे सो जाते हैं आप लोग, कैसे नींद आती है? इसी देश में दो दर्जे के नागरिक हैं आप, आपको थाने में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, कोर्ट से जजमेंट नहीं मिल पाता है, अस्पताल आपके सहारे छोड़ दिया गया, सरकारी अस्पताल आपके जिम्मे आपका हेल्थ है, सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो रिजर्वेशन का फायदा उठाए हैं, जो सिस्टम में आए हैं, जो मेरिट से ही आए हैं, जो एससी एसटी ओबीसी है उसको एक साथ आना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और ये आपके एमएलए एमपी नेता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे जो नेता हैं उनकी समझ कहां है, क्या वो ये सब चीजें नहीं देखते हैं, क्या वो सिर्फ टीवी अखबार देखते हैं, उनको अब सोशल मीडिया देखना चाहिए। स्टालिन देख रहा है, स्टालिन ने दक्षिण भारत में नीट खत्म करवाया, उन्होंने ईबीएस को लेकर कहा कि 3% सवर्णों को 10% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इंटरव्यू बेईमानी है, इंटरव्यू में तमाम टीचर और प्रोफेसर जाति खोजते हैं, नंबर और नौकरी। मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस देश में मनुवादी है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है। और जो जातिवाद जिनके साथ हो रहा है, वो जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक जातिवाद समझ में नहीं आएगा। मेरे पिताजी को जाति नहीं समझ में आती क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, मुझे इसलिए जाति समझ में आ रही क्योंकि मैं पढ़ा लिखा। बाबा साहब ने इसलिए जाति की लड़ाई लड़ी थी क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों को लड़नी पड़ेगी, और सोशल मीडिया से भी आप लड़ सकते हैं। ट्विटर ट्रेंड कीजिए, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर लिखिए, सरकार हिलेगी। अभी जीबी पंत का मामला है, वहां जिस तरह से नॉट फाउंड सुटेबल किया गया था, और मैं तमाम अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, मायावती जी हो, तमाम जो हमारे बहुजन समाज के नेता है, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, इन सबको बोलना चाहिए। हेमंत सोरेन को, जो एमपी है, एमएलए है, सांसद है, विधायक है, बोली और नहीं बोल सकते हैं, तो अगर हमारी संख्या 90% है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा भी बोलने लगे तो ये बड़ी बात होगी, आपको बात करनी पड़ेगी। कब तक हम लोग अपने ही देश में मजबूर और मजदूर बने रहेंगे, सोचिए आप। एक नंबर दिया जा रहा है, आदिवासी को एक नंबर, पिछड़े को एक दो नंबर, दलितों को एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर मैक्सिमम, मतलब शर्मनाक है। ये लोग कैसे सो पाते होंगे, कैसे इनका खाना पचता होगा, शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म आती हो कि नहीं आती होगी, बहुत दुखद है, बहुत दुखद। एक और मैंने रिजल्ट मंगवाया, देखिए 6 में 5 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद उसका नहीं आता। मैंने काउंट किया है 73 में 100 एंट्रेंस, बट भाई बात शक, पता नहीं 4 क्या सोच के दिए हैं। सोचिए एक गौरव जिसने 4, एक गौरव हैं शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट थे, 4 सब्जेक्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया था रिटेन, 4 सब्जेक्ट में उनको 4 नंबर दिया है, पता नहीं 4 क्यों सोच के दिए हैं, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। एससी की 5 सीट थी इस डिपार्टमेंट में,
खाली छोड़ दी होगी उन्होंने, सोचिए खाली रह जाए सीट। पता है क्या करते हैं, नॉट एसी की सीट खाली रह जाएगी ना, तीन साल उसको फिर बाद में जनरल से भर देंगे। चार नंबर दे रहे हैं एक ऐसे बच्चे स्टूडेंट को जो चार चार सब्जेक्ट में रिटर्न क्वालिफाई करता है। हद है, बात करनी पड़ेगी आपको, समझना पड़ेगा, नहीं तो हम सब एक दिन मजदूर बना दिए जाएंगे। लड़नी पड़ेगी हमें एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर बना दी जाएंगी। सवाल पूछिए अपने ही नेताओं से, बताइए उनको, टैग कीजिए उनको खबरों को। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को टैग कीजिए। सोचिए हम लोग सिर्फ कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन जब हम इनका से अधिकार मांगते हैं तो हमारी जाति इनको याद आती है। और एक बात और, वो चिन्ह तमाम जातिवादी को आप लोग वीडियो देखते हैं ना, जो सवर्ण लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और अब वाह वाह करते हैं, रवि शो करेंगे, अभिसार बोलेंगे, अजीत अंजुम बोलेंगे, साक्षी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनको पता नहीं बोलेंगे, वो हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे, वो मुसलमानों के मस्जिद पर बोलेंगे, नमाज पढ़ने पर बोलेंगे, लेकिन मुसलमान को नौकरी नहीं मिलेगी ओबीसी कैटेगरी में, इस पर नहीं बोलेंगे। शर्मनाक है ये। कल मिलते हैं, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।